दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक ऐड के ऊपर। मैं आपको फेसबुक ऐड में एक बेस्ट प्रोडक्ट बताने वाला हूं और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। इवन इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ राइट टारगेटेड ऑडियंस आपको फेसबुक में कैसे सिलेक्ट करनी होती है जिससे आप इजीली कन्वर्जन ला सकते हो। ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल समझ लो सब्सक्राइब नहीं किया गया सब्सक्राइब कर लें, वेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले ये हमारा एक टेस्टिंग अकाउंट है जिसमें $449 की सेल है, 4 सेल है और ये टेस्टिंग ही चल रही है हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे। तो सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ, ये जस्ट अ सेकंड, एक मिनट में रिफ्रेश कर देते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो ये अपन ने रिफ्रेश कर दिया आपको और यहाँ पे आप देख सकते हो $449 की सेल है। मैं एक बार और रिफ्रेश करके इसको बता देता हूँ, सो एक सेकेंड लगेगा एंड देन हम यहाँ पे देख सकते हो $449 की यहाँ पे सेल है। अब सबसे पहले बात करने वाले हम किस प्रोडक्ट पे काम करने वाले हैं। तो गाइस हम क्लिकबैंक के मार्केट प्लेस पर आ गए हैं और आज जो हम प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं वो है बेबी स्लीप मिरेकल। ये एग्जांपल के लिए एक प्रोडक्ट है, ऐसे और भी प्रोडक्ट्स आप प्रमोट कर सकते हो। अभी आपको टारगेटिंग करने का एक बेस्ट ऑप्शन समझ में आएगा इस वीडियो के थ्रू, बस वो आप समझ लें। सबसे पहले बता दूं ये किस कैटेगरी में प्रोडक्ट है, तो आप यहां आएंगे तो आपको ये इस कैटेगरी में, आपको फैमिलीज वाली कैटेगरी में पेरेंटिंग के नेम से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, टॉप पर ही है और इसमें जो एवरेज कन्वर्जन है $24 है। और यहाँ से सबसे पहले आप अपनी एफिलिएट लिंक जो भी है होप लिंक उसको जनरेट लेना और इनके एफिलिएट पेज को आप ओपन कर लेना। तो मैंने एफिलिएट पेज को ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ये देख सकते हो, सारा मैं आपके लिए कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो अभी हम फेसबुक ऐड रन करने वाले हैं, तो फेसबुक टूल पर आप आ जाना, यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस मिल जाएंगी, यहाँ पर भी कुछ इमेजेस टेम्पलेट मिल जाएंगी तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से कुछ इमेजेस और एड कॉपी की एग्जांपल मिल जाएंगे, स्पॉन्सर्ड है तो ये फेसबुक एड्स के लिए ही है। ये देख सकते हो कुछ एड कॉपी के एग्जांपल, कुछ इमेजेस के एग्जांपल आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो। इसके बाद इस प्रोडक्ट के लिए पिक्साबे से भी आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। मैंने जस्ट अभी ये इमेज डाउनलोड की थी, अभी मैं आपको बता देता हूँ 800 प्लस पिक्साबे से आपको बहुत सारी फ्री इमेजेस मिल जाएंगी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप इमेजेस भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सारी फ्री होती हैं, तो आप यहां पे फ्री इमेजेस जो भी इनकी हैं वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एफिलिएट सपोर्ट और इमेज को देखने के बाद हम यहां पे एड्स मैनेजर पे आ गए हैं। एड्स मैनेजर में मैं आपको एक और, पहले एड्स मैनेजर को बताने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूंगा आपको, यहां से आप डेमोग्राफिक्स भी देख सकते हैं। तो डेमोग्राफिक्स में बस आप एक चीज नोट कर लें, जब भी आप डेमोग्राफिक्स पे आए तो यहाँ पे आप देख लें हम जो ऑडियंस टारगेट करने वाले हैं वो है 25 से 34 एज के लोगों को हम यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको राइट ऑडियंस और सही एड कैसे बनानी है वो देख लें। तो देखो पिक्साबे से आपने इमेज डाउनलोड कर ली है, एफिलिएट सपोर्ट पेज से थोड़ी सी आपको डेमोग्राफिक्स में और एड कॉपी में हेल्प मिल जाएगी। अब आपको एक लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट रहेगी ऐड बनाने के लिए। तो मैं बता दूं लैंडिंग पेज के लिए मैंने काफी वीडियोस डाली हुई हैं, इवन फेसबुक ऐड के लिए कैसे लैंडिंग पेज बनेगा उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उस वीडियो को देख लेना, हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेज फॉर फेसबुक ऐड। इवन मैं वीडियो के आई बटन में भी फेसबुक ऐड में जिसमें मैंने लैंडिंग पेज बनाना सिखाया है उसकी वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख लेना इस वीडियो के बाद, तो लैंडिंग पेज आपका वहां से इजीली बन जाएगा और इस प्रोडक्ट के रिलेटेड लैंडिंग पेज बना लेना। अच्छा, जिसको भी डिटेल की कमी लगे या फिर लगे लैंडिंग पेज में क्या लिखूं, तो यहाँ पे लैंडिंग पेज हैं कुछ, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टेम्पलेट्स और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के रिव्यूज मिल जाएंगे, प्रोडक्ट की इमेजेस मिल जाएंगी और प्रोडक्ट का डेटा यहाँ से मिल जाएगा, तो आप इजिली लैंडिंग पेज बना पाएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लेना। अब हमें एक ऐड तैयार करना है विथ राइट टारगेटेड ऑडियंस के साथ जिससे हम जल्दी से जल्दी कन्वर्जन ला सकें। तो देखो अभी हम पूरा टारगेटेड ऑडियंस करने वाले हैं, बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस को ऐड दिखाने वाले हैं। तो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं और क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम ट्राफिक पे क्लिक करते हैं, ट्राफिक पे क्लिक करने के बाद हम कॉन्टिन्यू करते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, अभी हम इसको पहले कॉन्टिन्यू कर दूं मैं। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, लैंडिंग पेज में एक फेसबुक पिक्सल का कोड
ऐड कर लेना। अब आप कहेंगे सर मुझे फेसबुक पिक्सल कोड ऐड करना नहीं आता, डोंट वरी, उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो है और आप कमेंट करना तो मैं आगे भी और वीडियोस लाऊंगा। और पहले से मैं काफी 2-3 वीडियो फेसबुक पिक्सल के ऊपर लैंडिंग पेज से कनेक्ट करके ऐड कैसे रन करना है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो ठीक है, अभी के लिए हमने यहाँ पे ये सब फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में बस आप कैंपेन का नेम चेंज कर देना, जो भी आपको लाइक नेम रखना है इस कैंपेन का, और आप नेक्स्ट कर देना। फर्स्ट स्टेप में कुछ भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नेक्स्ट कर देना। ठीक है, सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। सेकंड स्टेप में एड सेट करना, इसको चेंज करना कर देना। वेबसाइट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अभी जो मेन एम है उसके ऊपर चलते हैं हमारा, क्योंकि जो हमें सही करना है, जो हमारी एड है वो लिंक क्लिक के हिसाब से ही चलेगी, तो इसको लिंक क्लिक ही रखना है। डेली बजट आप यहाँ से 800 की जगह हम यहाँ पे कर देते 1500 रुपये बजट। तो जस्ट अ सेकेंड, 1500 रुपये हमने बजट कर दिया है डेली। एंड थोड़ा सा नीचे चलते हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट आप सेट कर लेना, मैं टाइम आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप जब भी ऐड स्टार्ट करना है तो उसमें टाइम मैं बता दे रहा हूँ, इवनिंग 6 PM से मॉर्निंग 7 AM तक आप डेली ऐड चला सकते हैं। इवन मॉर्निंग के आप 9 AM तक भी डेली ऐड चला सकते हैं, मतलब इवनिंग 6 PM से मॉर्निंग 9 AM तक आप ऐड यहाँ पर चला सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन आ चुका है वो है ऑडियंस का ऑप्शन, और यहीं पर हमें राइट टारगेटिंग सीखनी है। तो देखो, सबसे पहले तो लोकेशन में तो आपको US कर लेना है, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट को US में प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इंडिया की कर लेते हैं US। जस्ट अ सेकेंड, USA हम इस प्रोडक्ट इंडिया की जगह USA यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे आप पीपल लिविंग, मैं ये पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, ये सेकेंड ऑप्शन आप ये चूज कर लेना। ठीक है, सबसे पहला काम ये कर लेना है। दूसरा काम, आपको एज पे चले आना है। तो एज में आप 18-65 है, तो हमने अभी डेमोग्राफिक जब एफिलिएट सपोर्ट पेज चेक किया था तो डेमोग्राफिक्स क्या देखा था, 25-35 हम इस एज को मोस्टली टारगेट करने वाले हैं। इस एज में लोगों को ऐड दिखाने वाले हैं 25-35। तो ये आ गया अपना 25-35 एज। और जेंडर में हम फीमेल्स को दिखाने वाले हैं, तो फीमेल्स। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जिसको बोलते हैं हम डिटेल टारगेटिंग, क्योंकि यही ऑप्शन है जिस ऑप्शन से आपको राइट टारगेटेड ऑडियंस मिलने वाली है। तो देखो, इस ऑप्शन का कैसे यूज करना है, ब्राउज पे क्लिक करना, डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करना, पेरेंट्स पे क्लिक करना, क्योंकि बेबी स्लीपिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो पेरेंट्स पे क्लिक करना, ऑल पेरेंट्स पे क्लिक करना, न्यू पेरेंट्स 0-12 months इस पे क्लिक करना। मोस्टली ये लोग ही इस प्रोडक्ट को लेते हैं, तो 0-12 months में हमने कर लिया। अगर जिसको थोड़े से और चाहिए, मोस्टली बस इसको ही ले लेना, आप मैरिड ले सकते हो, मैरिड भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। वैसे इसमें आपका काम हो जाएगा, और भी चाहिए तो आप रिलेशनशिप में आके मैरिड वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पेरेंट्स ले लिया है, और जो 0-12 months बेबी के हैं, है ना। ठीक है, हमने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आधा काम तो हमारा हो चुका है, 50%। अब हमें प्लेसमेंट पे जाना है, तो मैनुअल प्लेसमेंट हमें चूज करना है। मैनुअल प्लेसमेंट में ये फेसबुक और इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर लेना है। ये डेमोग्राफिक्स, एज और लोकेशन ये ध्यान रखते हुए प्रॉपर टारगेटिंग के साथ ऐड चलाना है। अगर आपने यहाँ मिस्टेक की तो आपकी ऐड प्रॉपर शो नहीं होगी, और फिर आपको पता है कि जब प्रॉपर ऐड शो नहीं होगी तो पैसा आपका ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद बता दूं, जब भी हम फेसबुक पर ऐड रन करते हैं तो एक फेसबुक पेज होना चाहिए आपका। तो आप अपना एक फेसबुक पेज बना लेना, जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही बनाना। जैसे आप बेबी स्लीपिंग वाले प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो आपका जो पेज होगा वो बेबी स्लीपिंग से रिलेटेड होगा। और आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लेना, जो आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, और फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर देना, क्योंकि वो करना जरूरी है। तो फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर देना। अब यहाँ पे हम आ गए हैं फॉर्मेट्स में, तो फॉर्मेट्स में इमेज देना है। इमेज के लिए मैं आपको बता दूं, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पिक्साबी से आप काफी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं अच्छी अच्छी। तो जो भी इमेज आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ से ले लेना। मैंने ऑलरेडी इमेज यहाँ पे यूज की हुई है, तो मैं ले लेता हूँ। ये इमेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ले रखी है, तो मैंने एक इमेज ले ली है, पिक्साबी से हम यूज कर रहे हैं। आप पिक्साबी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको करते हैं डन। डन करने के बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं।
तो यहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। देखो प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन ये एड कॉपी का पार्ट है। अब आपको एड कॉपी बनाने के लिए या तो आप यहां से फेसबुक टूल पे जाके यहां से एड कॉपी और डिस्क्रिप्शन के आइडियाज ले सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक दो टूल और बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। आप बिग स्पाय, एक टूल है बिग स्पाय, वहां से भी एड कॉपी ले सकते हैं। दूसरा टूल है फेसबुक एड लाइब्रेरी, वहां से भी टाइटल डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं जो एड लाइव है। बिग स्पाई और ये जो फेसबुक एड लाइब्रेरी है, ये दो एक टूल है जिन टूल्स में आपको लाइव जो एड चल रही है इस टाइम पे बेबी स्लीपिंग से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो वहां से आप ले सकते हैं। और इवन प्राइमरी टेस्ट आप यहाँ से ले सकते हैं, ये भी काफी अच्छा वेंडर ने हमें दिया है बना के, और जिसपे सेल आती है तो देख सकते हो काफी यहाँ पे प्राइमरी टेस्ट है, तो आप यहाँ से भी चाहो तो ले सकते हो। और प्राइमरी टेस्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन ये तीनों यहाँ पे आप देख सकते हो, इजीली मिल जाएगा। ये देखो प्राइमरी टेस्ट है, ये हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से या फिर बिग स्पाई या फेसबुक एड लाइब्रेरी से ले सकते हो। कॉल टू एक्शन बटन में लर्न मोर ही रहने देना है, मोर ही रहने देना है। और यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल में आपने जो लैंडिंग पेज बनाया हमारी वीडियो को देख के फेसबुक एड्स के लिए, या फिर आपने खुद से लैंडिंग पेज बनाया, लैंडिंग पेज बना लेना है एड रन करने से पहले। तो यहाँ पे आपके लैंडिंग पेज का यूआरएल जाएगा, यहाँ पे फाइनल यूआरएल जाएगा। चाहो तो दोनों को सेम कर दो, ये डिस्प्ले यूआरएल ये ऑप्शनल है, ऐसा कोई छोड़ भी सकते हो, बट आप लैंडिंग पेज की यूआरएल को यहाँ डालना है तो आप डाल सकते हो। और कुछ नहीं लेना है, बस ये ऑन कर देना है ट्रैकिंग को, जिससे आपके लैंडिंग पेज में अगर फेसबुक पिक्सल ऐड है तो डेटा रिकॉर्ड होता रहे, तो ये ऑन कर देना। मेरा ऑलरेडी लैंडिंग पेज में फेसबुक पिक्सल ऐड रहता है, एंड देन आप इसको पब्लिश कर देना। अब जिसको भी ये नहीं पता फेसबुक पिक्सल कैसे ऐड करते हैं, मैं बता दूं हमारी फेसबुक ऐड की प्लेलिस्ट फॉलो करें, फेसबुक ऐड फॉर क्लिक बैंक और एफिलिएट मार्केटिंग, उसमें हमने कंप्लीट सिखाया हुआ है फेसबुक ऐड को कैसे। इसीलिए मैंने इस वीडियो में रिपीट नहीं किया कैसे फेसबुक ऐड में लैंडिंग फेसबुक पिक्सल ऐड करते हैं, कैसे ऐड कॉपी लिखी जाती है। वैसे एड कॉपी आपको इजिली कॉम्पिटिटर से या फिर एफिलिएट सपोर्ट पेज से मिल जाएगी, आप उसके रिलेटेड लिख सकते हैं और इजिली आप पब्लिश कर सकते हैं। और इस कन्वर्जन रेट काफी अच्छा है, अगर आप प्रॉपर इस प्रोडक्ट पे एड रन करते हैं प्रॉपर टारगेटिंग करके तो इजीली कन्वर्जन ला सकते हैं। तो एक बार आप इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसी और भी वीडियोस में और अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर लाने वाला हूँ, तो अगर आप वीडियो लाइक करेंगे और कमेंट में नेक्स्ट वीडियो बेस्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए बोलेंगे, तो हम इसके आगे और भी अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें फेसबुक ऐड के अलग अलग प्रोडक्ट होंगे और उन प्रोडक्ट्स पे आप राइट टारगेटिंग करके एक राइट सेल जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।